ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरण के प्रति लोग अपने कर्तव्यों को समझें तो जंगल कभी कम नहीं हो सकते। पौधारोपण अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अघार रेंज के अंतर्गत 3000 पौधे लगाए गए, जिसमें महिला मंडल के सदस्यों, युवक मंडल के सदस्य, नेहरू युवा के सदस्यों व ग्रामीण वासियों ने पौधे लगाने में भाग लिया। पर्यावरण के प्रति लोग अपने कर्तव्यों को समझें तो जंगल कभी कम नहीं हो सकते। पौधारोपण अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अघार रेंज के अंतर्गत 3000 पौधे लगाए गए, जिसमें महिला मंडल के सदस्यों, युवक मंडल के सदस्य, नेहरू युवा के सदस्यों और ग्रामीण वासियों ने पौधे लगाने में भाग लिया। अघार रेंज ऑफिसर केदारनाथ ने बताया कि अघार रेंज के अंतर्गत चार क्षेत्र हुमलसी, अमरोसी वन में 5-5 हेक्टर में 3 हेक्टर, बडियाना सी 2 हेक्टर में जनता के सहयोग से लगभग 3000 पौधे वन बीट में लगाए गए, जिसमें खैर, आंवला, जामुन व बांस के पौधों का पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि अघार रेंज के जिनकरी गांव में विभाग ने नर्सरी में 65,000 पौधे तैयार किए गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों को जंगल के महत्व के बारे में बताया गया। जंगल को आग से बचाने के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बरसात में अघार रेंज के अंतर्गत 12,000 पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। पिछले वर्ष पुंदर गांव में विभाग ने पौधारोपण किया था, 75% पौधे बचाने में सफलता प्राप्त की। बीओ अमरजीत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पौधारोपण 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। वहीं इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवी सुमन लता व वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पौधारोपण का अभियान जुलाई 20 से 24 तक P5 हुमल जंगल में कैंपेन के द्वारा लोगों की जन भागीदारी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें 5 हेक्टेयर रकबे को रोपित किया जाएगा और इसमें 4000 पौधे हरड़, भेड़ा, आंवला इत्यादि के लगाए जाएंगे, है ना, बांस। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आप अपने बारे में बताओ। मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी हगार केदारनाथ शर्मा, श्री अमरजीत बीओ जी और श्री अजय ठाकुर वन रक्षक, योगराज वन रक्षक, राष्ट्र जेल, बाकी स्वयंसेवी संस्था द्वारा भी पौधे लगाए जा रहे हैं। महिला मंडल लोखर, महिला मंडल बगेटू, महिला मंडल युवा मंडल दैन, है ना, बगेटू। हाँ, बगेटू जी। मंजना वर्मा, आज जंगल में आए हुए थे हम लोग महिला मंडल की। हमारे साथ प्रधान महिला मंडल की सोमा देवी जी व गांव की सदस्यगण और भी आई हुई थी, और डीओ साहब अमर सिंह जी, केदारनाथ जी व अजय सिंह गार्ड व और भी अन्य गार्ड आए हुए थे। और जंगल में हमने हरड़, भेड़ा, चील, बांस, भेड़ा ये पौधे लगाए। इसमें हमें 300 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा हुआ था, तो हमने सभी पौधे जो हैं वो जंगल में लगाए।